बड़ी खबर आ रही और है आज की बड़ी खबर जान लीजिए आप कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्रिकेट पर ये पहली तस्वीरें भी सामने आ गई, आप जानकारी देते रहिए। हम तस्वीरें दिखाते हैं इंजन विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत का, कितना भयंकर कितना भयावह एक्सीडेंट है। ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। Like everyone does and I'll get on the social media like everyone does and that's how I found out. So I guess any of those things you don't want to see. Right, but the brain is the most difficult and I think that's what we were praying that we saw the photograph. It's to be honest it's not easy to see on the channel also. और बुरी तरह से जल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंत ने उस नाजुक घड़ी में खुद अपनी कार की विंडशील्ड तोड़ दी और आग से बचकर निकलने में सफल रहे। इस हादसे में उन्हें कई गंभीर चोटें आई जिसमें उनके माथे पर दो कट्स, दाई घुटने में लीगामेंट टियर और पीठ हाथ और पैर छिल चुकी थी। फरवरी 2023 को मुंबई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में उनकी राइट नी की सर्जरी हुई। ऋषभ पंत के रिहेबिलिटेशन प्रोसेस काफी लंबा और चैलेंजिंग रहा। उनकी राइट नी में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई थी। उनके फिजियोथेरेपिस्ट धनंजय कौशिक ने बताया कि एक्सीडेंट में पंत की राइट नी के सभी लिगामेंट्स प्रभावित हुए थे। ACL, PCL, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, आप जो भी नाम लें, हर एक को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। उन्होंने अपने वर्ड्स को सच कर दिखाया और IPL 2024 के लिए फिट डिक्लेयर्ड हो गए। पंत का ये एटीट्यूड उनके फैंस और पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए एक प्रेरणा का सोर्स बन गया है। ऋषभ पंत के IPL 2024 के लिए फिट होने का पल सबके लिए खुशी का क्षण था। BCCI confirmed the news by stating and I quote, after undergoing an extensive 14-month rehab and recovery process, Rishabh Pant has now been declared fit as a wicket-keeper batter for the upcoming Tata IPL 2024.